जिंदगी में मिलने वाले हर मौके को एक्सेप्ट करें, क्योंकि कुछ चीजें जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलती हैं। स्वागत है आपका दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल कोनिचवा इंडिया पे। सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोनिचवा इंडिया। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग के 4:15 AM और हम लोग निकल रहे हैं एक बहुत ही अमेजिंग ट्रिप के लिए। और इस ट्रिप पे मेरे साथ जा रहे हैं मेरे बहुत ही खास सिलेक्टेड लोग। हम लोग जा रहे हैं एक अमेजिंग सी ट्रिप यानी ऋषिकेश। तो दो गाड़ियां जा रही हैं हमारे साथ और बेसिकली हम लोग आधे लोग असेंबल होंगे गुड़गांव में और आधे लोग असेंबल होंगे हम वेंकटेश्वर कॉलेज जो कि साउथ दिल्ली में। सो चलिए चलते हैं, अभी मेरी कैब आ गई है तो चलते हैं अभी फ़िलहाल। तो भाई अभी हम लोग निकल चुके हैं अपनी ट्रिप की तरफ और गली के गार्ड सब, ये हमारी गली के गार्ड साहब है और ये हमारे साथ जा रहे हैं हमें बाहर तक छोड़ने के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं असेंबली पॉइंट पे। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ एक एक बंदे से। ये है निशा, मीतू और राहुल भाई और ये हमारे नचिकेत। ये है भाई एक नंबर का धोखेबाज, ये रहता है शालीमार बाग। स्टिल ये मेरे साथ नहीं आया, एक दिन पहले गुड़गांव चला गया जस्ट बिकॉज भाई के 200 रुपये बच रहे थे। कैब मिल गई भाई तेरे को ना? कैब मिल गई सर। तो फाइनली दोस्तों दूसरी गाड़ी में भी सबका पिकअप हो चुका है। तो अगेन मेरे साथ है आगे कार पिकअप हो चुका है। ये है कार्तिक जिसको आपने पहले भी काफी वीडियोस में देख रखा है। और ये है हमारे भानुसान लैंग्वेज रिसोर्स। और आपका नाम? सुमन। और ये है सुमन, राहुल भाई की वाइफ। और ये राहुल भाई, बारिश होने वाली है राहुल भाई, बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी आज, अम्ब्रेला आपके पास नहीं है। तो अभी हम लोग फाइनली निकल चुके हैं ऋषिकेश के लिए। लोकेशन डाल दी भाई? तो भाई अभी हम लोग खड़े हैं यहाँ पे मोदी नगर है ना, मोदी नगर पेट्रोल पंप पे खड़े हैं यहाँ पे। गाड़ी का टैंक करा लिया फुल, मौसम हो रहा है भाई यहाँ पे लिटरली बारिश वाला। और अपने साथ है राहुल भाई, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही ना भाई? बहुत मजा आ रहा है, वेदर बहुत दिनों बाद अच्छा लग रहा है। आप सुबह सुबह का अकेले हो भाई जो पाटा के साथ आए हो सब कुछ? और दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट टोल इस जर्नी में, टोल प्लाजा मेरठ। सो दोस्तों जैसे ही हमने मेरठ टोल प्लाजा क्रॉस करा उसके बाद सबसे पहले हमने करा ब्रेकफास्ट, बिकॉज जैसे ही मॉर्निंग में सब असेंबल हुए थे हम डायरेक्टली निकल चुके थे अपनी डेस्टिनेशन के लिए। सो भाई अभी जस्ट यहाँ पे हम खाना खाने आए थे, ये हमारा फर्स्ट स्टॉपेज था। तो भाई कैसा लगा खाना आपको? खाना बहुत अच्छा, पराठे एक नंबर। और चाय? चाय भी लजीज, एकदम प्योर दूध। आपने तो पी नहीं। तो भाई अभी जस्ट हमने यहाँ पे ब्रेक लिया था, ये वाला ढाबा है, अब पता नहीं कौन सा ढाबा है, बट ये मेरठ वाला टोल करने के बाद ही आता है लेफ्ट हैंड साइड पे। खाना बहुत ही बढ़िया था, परांठे वगैरह जैसे चाय वगैरह ली थी, लस्सी वगैरह ली थी भाई, बहुत बढ़िया खाना था। और ये है बेसिकली दोस्तों पशु मेला जो कि लगता है मेरठ में। इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, बट अगर आप यूट्यूब पर जाएँ तो आप पशु मेला या पारसी मंडी के नाम से सर्च आउट कर सकते हैं। अभी हम हैं हरिद्वार से थोड़ा पहले और यहाँ पे रुके हम छोटा सा एक फ़ोटो शूट कराने के लिए। एक जो पीछे वाली गाड़ी है थोड़ी लेट आई थी और हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे पहले पहुँचे हुए हैं, बट पीछे का व्यू देखो भाई, नो डाउट इतना अमेजिंग है कोई हद नहीं। और ये देखो यहाँ पे पीछे फ़ोटो शूट चल रहा है, यहाँ पे ये दो कपल्स का और बाकी सारे इन दोस्तों का। सो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। 50,000 का एक्स्ट्रा 50,000 दिए थे तो गवर्नमेंट साइड से लिया था वैसे ही? नहीं, गवर्नमेंट साइड से लिया, गवर्नमेंट साइड से लिया था। और गाड़ी का अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा इस i20 का? अच्छा, ये ब्लॉग बन रहा है ऋषिकेश का है, कैसे एक्सपीरियंस रहा गाड़ी का i20 का? ऑसम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब मरु। एंड फाइनली दोस्तों वी मैनेज टू रीच हरिद्वार। ये आप सामने दर्शन कर सकते हैं हर की पौड़ी के। लाइफ में कुछ बातें बहुत ही सही कही गई हैं, असली मज़ा
मंजिल का नहीं सफर का है। भाई व्यू देखो यहाँ का, ये सारे अपन का, ये सारा हमारा पूरा ग्रुप, ये दो कपल्स। दिस प्लेस इज समवेयर, दिस प्लेस इज समवेयर आफ्टर हरिद्वार एंड बिफोर ऋषिकेश। इतना अमेजिंग व्यू है भाई यहाँ का, और इतना बढ़िया वेदर हो रहा है, और खासकर यहाँ पे ड्रिजलिंग हो रही है, अभी ड्रिजलिंग हो रही है ना अभी। और ये भानुसान, द व्यू इज ऑसम, द वेदर इज ऑसम, थैंक यू सो मच भानु। हमने ऋषिकेश के लिए बेसिकली पुराना रास्ता नहीं, नया रास्ता चूज करा था, जो कि 70% रिवर साइड होते हुए जाता है और रास्ता बिल्कुल साफ है। हाँ थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग है, बट हमने स्टिल 2 घंटे बचा लिए थे। तो दोस्तों बेसिकली हम यहाँ पे स्टे कर रहे हैं हॉस्टल्स में, कोई स्पेसिफिक 5-star होटल तो नहीं है, बट हॉस्टल्स हम लोग स्टे कर रहे हैं यहाँ पे। और कुछ नया है ऋषिकेश में, फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, तो लेट्स सी हमारा एक्सपीरियंस किस तरीके का रहता है। तो ये जो है बेसिकली पार्किंग लॉट है, दोनों गाड़ियाँ हमने पार्किंग में लगा दी हैं, और ये यू कैन से प्ले एरिया है, और सामने की तरफ इनके हॉस्टल्स हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्टल्स में, सामान वगैरह रखते फिर आगे निकलेंगे। और ये है व्यू हमारे होटल के, सॉरी होटल नहीं, इट्स अ हॉस्टल, हॉस्टल के टेरेस से। इस व्यू के लिए 1 लाख तो बनता है यार। और ये है हमारा रूम, इस रूम में बेसिकली 6 बेड्स है, ये आप देख ही रहे सामने। तो भाई अभी चल रहा है यहाँ पे लोगों का फोटो सेशन। ये राहुल कितनी फोटोज खिंचवाएगा भाई? कम से कम 12-15 खिंचा ले। 12-15? ऋतिक रोशन हो रहा है कतई? ऋतिक रोशन हो रहा है कतई? सिंगल पैक लेके चल रहा हूँ ना इसलिए। अच्छा गाड़ी में क्या बता रहा था, कौन लगता है तू? बिल्कुल किसका क्या लगता है? इमरान हाशमी लगता है, क्या लगता है, क्या बता रहा था? शाहिद कपूर भाई। शाहिद कपूर भाई, अरे शाहिद कपूर लगता है भाई। तक आ गई आपकी यहाँ तक? क्यों? भूख से। भूख से सुबह सुबह खाई पिए नहीं है आप? पराठा खाया, पराठा अच्छा नहीं था? 7-8 बजे, 9 बजे, कितने बजे खाया? चाय तो बढ़िया थी यार। चाय बढ़िया थी यार, लेकिन वही। तो भाई लोग अभी सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं लक्ष्मण झूला। भाई लक्ष्मण झूला खुला है? बंद है। बंद है तो फिर क्या करने जा रहे हो वहाँ पे? देख तो लोगे। ओह माय गॉड मंगल। सो जैसे ही हम ऋषिकेश पहुंचे, पहुंचने के बाद फ्रेश होने के बाद हम फटाफट निकल चुके थे लंच के लिए, बिकॉज बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी। और लक्ष्मण झूला वाली साइड से जैसे ही हम नीचे उतरे तो हमें एक बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट मिला था, और उस रेस्टोरेंट से बेसिकली ये व्यू हमें देखने को मिला, और वी जस्ट कैन नॉट रेजिस्ट कि हम वहाँ से किसी और रेस्टोरेंट को सिलेक्ट भी कर पाएँ। आप लोग खुद इस रेस्टोरेंट का व्यू देखो यार, नो डाउट एक बारी में दिल में उतर जाएगा। यहाँ की सेटिंग, यहाँ का व्यू, यहाँ का एम्बियंस, इट्स जस्ट ऑसम। गाइस से हाय। और जैसे ही खाना खा के हम फ्री हुए, हम लोग निकल चुके थे त्रिवेणी घाट गंगा आरती के लिए। तो भाई अभी सीन ये है कि हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, लंच करा, और यहाँ पे बेसिकली ढलान है, चढ़ाई है, चढ़ते चढ़ते इतनी बॉडी थक गई है ना भाई। तो वहाँ से हमने करा ऑटो, ऑटो करने के बाद अब हम आए हैं यहाँ पे त्रिवेणी घाट, और त्रिवेणी घाट पे यहाँ पे बेसिकली हम आरती अटेंड करेंगे। दोस्तों इस व्यू के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जस्ट फॉर अ सेकेंड आप इस नदी के पानी की आवाज को एक बार फील करके देखो आप। जैसे ही हम लोग फ्री हुए गंगा आरती से, हम लोग आ गए थे राम झूला पे। तो गाइस बेसिकली यहाँ पे 3 झूले हैं, ये जो झूला है ये है जानकी झूला, और ये है राम झूला, और इसके बैक साइड में पीछे की तरफ है लक्ष्मण झूला, जो कि अभी बंद कर रखा है, वहाँ पे आप नहीं जा सकते। दोस्तों आई वॉज प्लानिंग कि एक साइड से दूसरी साइड जाऊँगा और टाइम लैप्स लूँगा इस वीडियो का, बट इतनी भीड़ थी राम झूला पे कि कोई कुछ भी मतलब वीडियो रिकॉर्ड करना ही पॉसिबल नहीं था यहाँ पे। और जैसे ही हम लोग फ्री हुए राम झूला से, हम लोग उसके बाद चले गए थे अपने हॉस्टल में।
हॉस्टल जाने के बाद हमने खूब चिल करा, पार्टी शार्टी करी रात को। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर मॉर्निंग। आज फाइनली हमारा दिन है वापस निकलने का, यहाँ से हम निकलेंगे ऋषिकेश से। तो जैसा कि आपने देखा, हमने अभी अपने बैग्स वगैरह हमने डाल दिए गाड़ी वगैरह में, और यहाँ से अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए। देन नीचे लक्ष्मण झूला, रिवर साइड थोड़ा बहुत फन वगैरह करेंगे फ्रेंड्स वगैरह के साथ। और तो कुछ है नहीं, क्योंकि मौसम ऐसा है कि सारी एक्टिविटीज़ वगैरह यहाँ पे सब कुछ बंद हो चुका है। तो बस ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, फन एक्टिविटीज़ है नहीं, बट अपने तरीके से जिस तरीके से इन्जॉय कर सकते हैं इन्जॉय करेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। ये है आज का बेसिकली यहाँ का मौसम, देख रहे हो पूरा क्लाउडेड हो रखा है यहाँ पे, और आप देख रहे हो माउंटेन्स। रात तक यहाँ पे खाली दो ही गाड़ियाँ थी, बट अब देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 गाड़ियाँ खड़ी हो चुकी हैं यहाँ पे। 200 रुपये की यहाँ पे पार्किंग है 24 आवर्स की, दो कार्स की, यानी कि 100 रुपीज़ पर कार। और यहाँ पे ऊपर लॉन भी है, बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, फैमिलीज वगैरह बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। और ये साइड बैक साइड में हमारा होटल है। सो काफ़ी मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड फ्रेंड्स के साथ ट्रिप था। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग, कैसे रही आपकी भाई कल की इवनिंग पार्टी आपकी? बहुत बढ़िया ऋषिकेश में। कमल भाई क्या सीन था कल का? इट वाज मेमोरेबल विद आवर कलीग्स। एक साथी अभी और है। हाँ जी भाई, कैसा आपका एक्सपीरियंस? बढ़िया। ये पेप्सी वाले फैंटा वाले लोग हैं, पेप्सी के नशे कर रहे थे। तो बेसिकली हमारी जो ओवरऑल इवनिंग पार्टी थी वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी। लाइक एक पूरा ऋषिकेश का पार्ट एक तरफ, और वो इवनिंग की पार्टी हमारी एक तरफ। इतना हमने एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे रात में, अराउंड 1-1, 2-2 बजे तक हम यहाँ पे सोए हैं, और अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठ गए हैं जस्ट बिकॉज यहाँ पे चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए टाइम वेस्ट ना करें। तो मैक्सिमम 12 से 1 बजे तक हम यहाँ से निकल जाएंगे वापसी दिल्ली के लिए। पूरी ढलान है, पूरी ढलान देखो वो लोग कितना नीचे है, नचिकेत कितनी ढलान है। और इतनी ही ढलान भाई हमने कम से कम ये 2 बार कवर करी थी ऊपर नीचे। भाई अगेन हम वही कल मार्केट वाले रोड पे आ चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे हो कि जितनी स्कूटी बाइक्स वगैरह आप देख रहे हो, ये तो नहीं, ये तो प्राइवेट है, जितनी येलो नंबर प्लेट्स वगैरह हैं आप इजीली यहाँ पे रेंट वगैरह पे ले सकते हो। इजीली आपको यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे रेंट पे मिल जाएगा यहाँ पे। और ये देखो, ये श्री बद्री केदारनाथ स्मृति मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। हम गए तो नहीं यहाँ पे, बट जितने भी यहाँ पे मैक्सिमम होटल्स वगैरह हैं यहाँ पे, वो सब आपको बाइक स्कूटीज इजीली रेंट पे करवा देंगे। होटल्स बहुत प्यारे प्यारे हैं, रेट्स नो डाउट बहुत ज़्यादा महंगे हैं। ये देखिए सोल्ड आउट ऑलरेडी भाई, ये होटल पूरा सोल्ड आउट है। ये देखिए आप, किसी ने हिमालयन रखी हुई है, स्कूटियाँ रखी हुई हैं यहाँ पे, और ये बाइक भी मिल जाएगी। डिपेंड अपॉन कि आप कितना कंफर्टेबल हो इस रोड पर चलाने के लिए, क्योंकि इस रोड पर ये रोड बहुत ज़्यादा ही स्टीप है, लाइक ऊपर नीचे यहाँ पे बहुत है। तो लाइक एक जो एक्सपर्ट बंदा होता है वही यहाँ पे ड्राइव कर सकता है। और ये देखिए बेसिकली ये बोलेरो गाड़ी जिसके ऊपर लाइक ट्यूब रख के लेके जाते हैं जब राफ्टिंग के लिए जाते हैं। तो भाई लोग, ये है राधा कृष्ण मंदिर, और ये साथ साथ ये रोड नीचे की तरफ जा रही है। इस रोड से अभी हम आ रहे हैं, ये मेन आगे जाके सीधा ये बद्रीनाथ हाईवे, और अभी हम यहाँ से नीचे जाएंगे। ये है बेसिकली लक्ष्मण झूला जाने का रास्ता। लक्ष्मण झूला यार एक टाइम पे ऐसा झूला था कि लाइक वहाँ पे गाड़ियाँ भी चलती थी, बट अब पता नहीं क्यों वो झूला बिल्कुल ही बंद कर दिया। ये प्रॉपर थोड़ी मार्केट रोड है, थोड़ा बहुत मार्केट वगैरह अभी तो देख सकते हैं प्रॉपर खुली नहीं है, बट लेट्स सी आगे का क्या सीन है। और ये देखो भाई, यहाँ पे लोग, यहाँ पे इतनी बाइक्स और स्कूटीज यहाँ पे रेंट करने के लिए भाई, कोई हद नहीं, एक से एक वैरायटी आपको मिल जाएगी, स्प्लेंडर पल्सर सब कुछ, मैक्सिमम की येलो नंबर प्लेट है। और ये था शॉर्टकट लक्ष्मण झूला पर जाने का। भाई इतनी खतरनाक सीढ़ियाँ, ऊपर से बारिश का पानी, लिटरली स्लीपर्स इतने स्लिपरी हो गए थे कोई हद नहीं। इजीली लक्ष्मण झूला की पार्किंग भी प्रोवाइडेड है, सो जस्ट इन केस अगर आप आते हैं तो यहाँ पे गाड़ी वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो
अभी भाई घूमते फिराते जैसे तैसे हम पहुंच गए यहाँ पे लक्ष्मण झूला पे। ये देखिए लक्ष्मण झूला अभी टोटली बंद है, यहाँ पे एंट्री एग्जिट सब बंद हो रखी है, एग्जिट तक यहाँ पे बंद है। तो बेसिकली यहाँ पे चल रही थी कंस्ट्रक्शन। ये देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे काम वगैरह चल रहा है, जिस कारणवश ये बंद कर रहा है लक्ष्मण झूला। तो ये है बेसिकली व्यू। ये भाई पूरे मार्केट पूरी एक्सप्लोर कर चुके हैं, नीचे लक्ष्मण झूला सब होकर ऊपर की तरफ वापसी जा रहे हैं हम। लाइक जिस हिसाब से मूवीज़ में लगता है भाई, वैसे तो टोटली डिफरेंट है। ऋषिकेश अगर आओगे तो भी एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो भाई अभी मैं इस रास्ते से वापसी आ रहा हूँ, वापसी अगेन इस रास्ते से वापसी निकल जाऊँगा मैं। ऑलमोस्ट सारे हम लोग यहाँ से अलग हो ही चुके हैं, तो धीरे धीरे करके वापसी अपने होटल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमें वहाँ पर एज सून एज पॉसिबल चेकआउट करना है। जा रही हमारी वापसी रोड, जिस रोड से मैं आया था। हम लोगों ने गूगल पे एक लोकेशन सर्च आउट करी थी, उस लोकेशन का नाम था नीर वाटरफॉल, जो कि मेन ऋषिकेश से जस्ट 1.5 या 2 किलोमीटर की दूरी पे था हमारे एग्जैक्ट लोकेशन से। सो वी वर सो एक्साइटेड टू गो देयर, बट इट्स अ संडे सो वो लोकेशन बंद थी। ओ भाई ये क्या देखने को मिल गया, कौन सा गांजा फूंक रखा था इसने जो गाड़ी गड्ढे में गिर दी। ऐसे भी ड्राइवर होते हैं यार। और ये था व्यू आपकी उस लोकेशन का जहाँ पे आपकी राफ्टिंग ख़त्म होती है। इतना बढ़िया व्यू, इतना प्यारा व्यू, गंगा रिवर की जो आवाज़ थी इतनी प्यारी कानों में पड़ रही थी, कोई हद नहीं। फाइनली सबर का बांध तोड़ के हमने ऋषिकेश के 3 घंटे के ट्रैफिक जाम को हमने पार करा और हम पहुँचे हरिद्वार। हमने मेन हरिद्वार में एंटर नहीं करा, हमने बाहरी बाहर से गंगा जल लिया, छोले कुलचे खाए और हम निकल चुके थे वापसी दिल्ली के लिए। मिली दोस्तों हमारा लास्ट स्टॉप था जैन शिकंजी पे, और फाइनली खाना खुना खा के बस अब यहाँ से निकला जा रहा है। वो भी अपनी गाड़ी सामान खोल के शिफ्ट कर रहा है गाड़ी में, तो चलिए चलते हैं वापसी दिल्ली। गाइस इस ट्रिप का एंड हुआ, कहाँ पे एंड हुआ, कौन से स्टेशन है? दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख मेट्रो स्टेशन पे इस ट्रिप का एंड हुआ। अर्ली मॉर्निंग सुबह, कल सुबह अर्ली मॉर्निंग हम मिले थे 5 बजे यहीं पर मिले थे, और यहीं से ही हमने सब असेंबल हुए और गाड़ी गई थी ऋषिकेश के लिए, बट यहीं पर ट्रिप एंड हुआ।